उसको क्या पता बेचारे को ओवरईट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाम नहीं पता, वो नहीं पता लगेगा उसको, स्टमक अपसेट भी नहीं पता चलता। आपको पता है नर्सरी क्लास में स्टमक अपसेट का भी सीन अभी बता देती हूँ। बच्चे बोलते हैं मैम मेरा स्टमक अपसेट है, राइट? बेटा कहां से स्टमक अपसेट है? यहां से। इट्स देयर। अडल्ट का वोकैब ले लेते हैं वो, दे डोंट नो। ये आपका ए नहीं होगा, ये आपका बी कैटेगरी में जाएगा मैम, कैटेगरी बी। और खाएंगे, दैट इज अगेन सर, दिस इज रिफ्यूजल, इट इज अ इनडायरेक्ट रिफ्यूजल, डी इनडायरेक्ट रिफ्यूजल डी आएगा सर। इनडायरेक्टली रिफ्यूजल लारा लगा रहे हो ना आप बच्चे को, तो बनाओगे आप? अगर बना के दोगे आप और आपको पता है कि ये नीड उसकी नहीं है प्रॉपर, तो ये कैटेगरी बी में जाएगा मैम, बी। हाँ जी सर, ए ए कैटेगरी सर। उसको क्या पता तबीयत कैसे खराब होती है? तो आप उसको अल्टरनेटिव दोगे ना कि बेटा नहीं खाना, क्या करोगे? आपको पता तबीयत खराब होगी तो आप क्या करोगे? नो यू विल नॉट ईट, आगे निकालोगे उसको, थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलेंगे आप, या बोलोगे बेटा नहीं नहीं और नहीं खाना, बस बहुत हो गया, टमी भर गई, डी डी लिखेंगे। सी देखो मैम, देर आर टू चॉइस, बच्चे नू उदी चॉइस दे अकॉर्डिंगली खान दे रहे हो, तो इट इज कॉल्ड परमिशन दे रहे हो आप, तो इट इज सी टाइप ऑफ पेरेंटिंग। बट स्नैक अवेलेबल ही नहीं है मैम, स्नैक तो है ही नहीं, खा लिया बस जितना खाना था, उसके बाद मांग रहा तो क्या करोगे आप? या तो एक पकौड़े के लिए दोबारा पकौड़े बनाओगे? सो नाउ लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ द पेरेंट्स हैव गॉट ए। ओके, हाउ मेनी ऑफ द पेरेंट्स हैव गॉट बी? बी फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पेरेंट्स का है? फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पेरेंट्स का ए है? ए एंड डी। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन में ए कितने पेरेंट्स का है? हाउ मेनी पेरेंट्स हैव गॉट बी इन फर्स्ट क्वेश्चन? अभी अपना ए और बी ध्यान से संभाल के रखना, बिकॉज अभी नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने वाली हूं इससे बिल्कुल क्लियर हो जाना कि कैसे मम्मी पापा हो आप, राइट? सो नाउ लेट अस डिस्कस, अभी आपने क्या लिखना है? यस और नो लिखना है। मैं चार चार क्वेश्चन पूछती चले जा रही हूं और बहुत ध्यान से सुनना, मैंने रिपीट नहीं करने आप क्वेश्चंस, राइट? सो बी अटेंटिव टू ऑल द क्वेश्चंस, यस नो लिखते चले जाएंगे, राइट? क्या आपके बच्चे का एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड दिनचर्या है जिसमें वो एक सही समय में बेड से उठता है और सही समय पे उसी समय पे बेड पे जाता है सोने के लिए, प्लस आपके घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उसको हर हाल में फॉलो करने पड़ते हैं, और आपके बच्चा पूरी तरह से वो समझता है कि ये रूल्स मेरे घर के और मुझे फॉलो करने हैं, खुद से करता है फॉलो, जबरदस्ती नहीं फॉलो करवाए जाते, ऐसा कुछ है? यस और नो लिख दीजिए प्लीज अपना आंसर, और चार डब्बे बना लीजिए प्लीज, चार बॉक्सेस बना लीजिए, पहले वाले बॉक्स में ये यस नो लिखने हैं आपने, राइट? फोर बॉक्सेस बना लीजिए, चार डब्बों में आप इस तरह से फोर कंपार्टमेंट्स बना लीजिए, 1 2 3 4। फर्स्ट में मैं चार क्वेश्चन पूछ रही हूं,
पहले क्वेश्चन में यस है तो यस लिख दीजिए, नो है तो नो लिख दीजिए। क्या कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपने घर के रूल्स बनाए हैं वो बच्चे के कंफर्ट के लिए आप उन रूल्स को चेंज कर देते हो या सिचुएशन के अनुसार उन रूल्स को कभी कभी चेंज भी कर देते हो? यस और नो, यस और नो, बस इससे अलावा और कोई डिस्कशन नहीं। सेकंड, फर्स्ट कॉलम में ही, ये फर्स्ट कॉलम के क्वेश्चंस हैं अभी, ये जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूं फर्स्ट कॉलम के ही हैं। क्या आपके बच्चे को आपके बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस पता है कि मेरी मम्मी गुस्सा हो रही है तो क्यों हो रही है, मम्मी मेरे से खुश है तो क्यों खुश है? क्या आपके बच्चे को यह समझ आता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है बेचारा कि अभी तो इसको क्या हुआ था, अभी ये क्या कर रही है? एंड इट हैपन्स, होता है ये। प्लीज ऑनेस्ट आंसर देना, अब ऐसे मत बना देना यस नो यस नो, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर ब्लॉक वन, क्या आपका बच्चा आपके साथ किसी भी चीज के बारे में बात कर लेता है? हर चीज, हर बात, हर चीज, हर छोटी छोटी चीज, इवन मेरे फ्रेंड के टिफिन में क्या था, इससे भी और माइन्यूटली, चाहे 17 साल का बच्चा चाहे 3 साल का है, हर छोटी बात बोलता है कि नहीं बोलता? प्लीज बहुत ऑनेस्टली आंसर लिखना, मुझे पता आधे पेरेंट्स ने यस एम ही लिख देना है, राइट? अब मुझे ये बताइए कितने पेरेंट्स के 4 यस हैं, कितने पेरेंट्स के 4 यस हैं? प्लीज आप अपने ब्लॉक में लिख दीजिए ए, ए, बाकी नहीं लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, सिर्फ जिनके चारों यस हैं वही लिखेंगे ए। नेक्स्ट बी, सेकंड ब्लॉक के क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस और मैं थोड़े फास्ट पूछने वाली हूं अभी ये क्वेश्चंस। क्या आप अपने बच्चे की इमोशनल, फिजिकल और बाकी जितनी भी नीड्स हैं सभी का ध्यान रख पाते हो? ऑनेस्टली यस और नो लिखना प्लीज। हर छोटी छोटी नीड, हर चीज का ध्यान रख पाते हो कि नहीं? ध्यान रखना मींस आप बच्चे को पार्टी पे ले गए हो, उसकी ड्रेस उसको चुभ रही है, वो रो रहा है और आप कह रहे हो चल बेटा गोलगप्पे खा ले। यू आर फेलिंग टू पॉइंट आउट कि उसको ड्रेस चुभ रहा है, बहुत छोटी सी बात है। तो यस और नो प्लीज बहुत ध्यान से लिखिएगा। यस और नो, बस स्टेटमेंट नहीं मैम। क्या आप अपने बच्चे की नीड्स, इमोशनल, फिजिकल और बाकी जितनी नीड्स हैं, क्या उनका ध्यान रख पाते हो? यस और नो, कभी कभी फेल हो जाते हैं एज अ पेरेंट, राइट? तो आप लिख सकते हो नो, भी लिख सकते हो इसका आंसर, बी वेरी ऑनेस्ट प्लीज, राइट? कोई यहां पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ी ना आना एज अ पेरेंट। देन क्या आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे की जिंदगी में क्या हो रहा है? क्या आप पूरी तरह से अवगत हैं कि मेरे बच्चे की जिंदगी में क्या हो रहा है? कि तुसी पूरी तरह जागरूक हो कि थोड़े बच्चे की लाइफ के विच, जिंदगी के विच की हो रहा है, राइट? यस और नो, दिस इज द प्रॉब्लम सर, वही तो लबन बैठे हैं, लिखो इतने नो। की थोड़ा जिहड़ा घर है वो एक बच्चे दे लई बहुत सेफ जगह है, जिथे सिर्फ बच्चे नू एक पॉजिटिव और उसारू गल्लां ही कहियां जांदियां, कदे उन्हूं मारिया झिड़किया घूरिया नहीं जांदा? की थोड़ा घर इहो जिही वो सेफ प्लेस हैगी है? यस और नो, ऑब्वियस तो नो, नो बिल्कुल। की तुसी एज अ पेरेंट घर तो बाहर लम्मा समा रहिंदे हो? वर्किंग पेरेंट्स ऑब्वियसली ज्यादा समा बाहर रहिंदे आ, सो दे विल राइट डाउन यस। की एज अ पेरेंट तुसी घर तो बाहर लम्मे समय ले लई रहिंदे हो? यस और नो। और की कदे बेटा सॉरी
मैं तो तेरे फंक्शन दे टाइम ते नहीं आया गया बेटा, सॉरी मैनू तेरी गल समझ नहीं आई। क्या कदे एहो जे एक्सक्यूजेस अपने बच्चे नू दिंदे हो, यस और नो? लिखिए प्लीज आंसर, यस और नो। यस, ये सेकंड ब्लॉक के हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड ब्लॉक का है ये, फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड ब्लॉक। आई विल रिपीट, वेट, की थानू थोड़े बच्चे दे सारे फ्रेंड्स सारे टीचर्स दे बारे पता है? की थानू थोड़े बच्चे दे सारे फ्रेंड्स सारे टीचर्स दे बारे पता है? कोई गल नहीं, जस्ट यूनिवर्सल देखिए आप, यूनिवर्सल देखिए कि क्या है। तो फिर आप देखिए कि इसका मतलब आपको एक के बच्चे के बारे में नहीं पता, तो आप यूनिवर्सल कौन सा लेंगे? जहां पे मैं लैक कर रही हूं, नहीं पता राइट right? क्योंकि आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, आपके बच्चे की नहीं हो रही है। हाँ, तो इसलिए चाहे बच्चा एक है चाहे दो है, तो यू विल बी टेकिंग जिसमें लैक कर रहे हो आप। उसके बाद की तुसी बच्चे की जिंदगी की हो रहा है घर तो बाहर, उस सारे चीज दे विच पूरी तरह इन्वॉल्व हो, हाँ या ना? चाहे वो बच्चा नर्सरी का है, चाहे 17-18 साल का, चाहे 23 साल का है। सेवन, मैं रिपीट लगी हूं करण, हूं सात क्वेश्चन मैं बोल चुकी हूं, सेकंड ब्लॉक दे सत्तों क्वेश्चन मैं दोबारा लगी हूं बोलन, और फटाफट येस और नो लिख लीजिए प्लीज। की थानू तुसी अपने बच्चे दिया इमोशनल फिजिकल अते बाकी दिया जरूरतों के बारे ध्यान रखते हो? दूसरा प्रश्न, की थानू पूरी तरह पता है कि थोड़े बच्चे की जिंदगी दे विच की हो रहा है? तीसरा प्रश्न, की थोड़ा घर एहो जिही सेफ जगह है जिथे थोड़े बच्चे दे बारे सिर्फ उसारू अते चंगियां चंगियां गल्लां ही बोलियां जांदियां हन, नैगेटिव या ना वाचक कोई भी एहो जी गल जिहड़ी है बच्चे दे लई नहीं बोली जांदी? की तुसी घर तो लंबा समा बाहर रहिंदे हो? पंजवां प्रश्न, की कदे कदे तुसी अपने बच्चे दे कोले कहिंदे हो, एक्सक्यूजेस करदे हो कि भी मैं अवेलेबल नहीं सी जिहड़े समय मैनू तेरे नाल होना चाहिदा सी? कई बार तुसी डांट दिंदे हो और कह दिंदे हो बेटा सॉरी मेरे तो गलती होगी, मैनू नहीं डांटना चाहिदा सी, मेरा ओवर रिएक्शन सी राइट। उस तो बाद की तुसी अपने बच्चे दे सारे फ्रेंड्स सारे टीचर्स बारे जानदे हो? सतवां प्रश्न, की तुसी अपने बच्चे की जिंदगी दे बारे जानदे हो जो घर तो बाहर वह स्पेंड कर रहा है, की कर रहा है? 12:10 कितने सी, 12:35 बच्चा कितने सी? क्या इनी माइक्रो मैपिंग थानू थोड़े बच्चे की पता है, यस और नो राइट? नेक्स्ट थर्ड ब्लॉक लई फर्स्ट क्वेश्चन हुण इत्थे प्लीज मैनू दसो जरा, फाइव नो केड़े पेरेंट्स दे है? फाइव नो केड़े पेरेंट्स दे है? फाइव नो सेकंड ब्लॉक दे विच फाइव नो केड़े पेरेंट्स दे है? प्लीज अपने ब्लॉक दे विच इत्थे वड्डा करके बी लिख लो, बहुत वड्डा करके बी लिख लो जिन्हां कोल फाइव नो आंसर्स आए हैं। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड ब्लॉक का, और इस ब्लॉक दे विच मैं सिर्फ चार प्रश्न पूछने हैं। सो पहला प्रश्न, की तुसी कुछ एहो जे रूल्स बनाए हुए अपने घर दे विच जिहड़े कि बच्चे ने फॉलो करने हैं, और की तुसी हमेशा उन्हां रूल्स नूं आप ही तोड़ दिंदे हो कि बेटा कोई गल नहीं कल तो करांगे, अज मैं रूल बनाया है कि सारे जिन्ने भी घर च मैंबरस ने जो भी पानी पिएगा अपना गिलास धो के रखेगा, बट फिर आप ही तुसी वो रूल नूं तोड़ दिंदे हो राइट? हले हुने थोड़ी देर बाद किया, और उस तो बाद थोड़ी देर बाद वही रूल तुसी खुद ही एज अ पेरेंट ब्रेक कर दिता भी कोई गल नहीं बेटा कल तो रख दी राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, तुसी एज अ पेरेंट हर वक्त अपने बच्चे नाल कलेश नू अवॉइड कर दे हो कि बच्चे रोना धोने वाली सिचुएशन च आवे ही ना, बहस वाली सिचुएशन च आए ही ना। सो थोड़ी यही कोशिश एज अ पेरेंट रहिंदी है हमेशा कि मैं मेरे बच्चे दे नाल कॉन्फ्लिक्ट नू अवॉइड करना है राइट? कर दे कोशिश, यस और नो। देन
तीसरा प्रश्न फटी हमेशा एक ही कोशिश रहती है, मैं मेरे बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनना है, मैं मेरे बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनना है, और मैं मेरे बच्चे का मम्मी पापा होना किधरे ना किधरे भुल जाता है, भावना जरा ज्यादा डोमीनेट कर जाती भी मैं बेस्ट फ्रेंड बनना, बस अपने बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनना है। यस और नो? देन फोर्थ क्वेश्चन, कि तुसी अपने बच्चे नू रिश्वत देंदे हो? कि तुसी अपने बच्चे नू रिश्वत देंदे हो, ब्राइब करदे हो, टॉफी तेनू बाहर घुमा के लियावांगे, ये कर दे, क्या तू आ कर दे, मैं तेनू आ बना के खवा दांगी, आ वाली ड्रेस मिल जाएगी, ये सारी रिश्वत है। यस और नो? ब्राइब करदे हो कि नहीं करदे हो? राइट, सो चार यस किदे आ, चार यस किदे आ, प्लीज राइट डाउन सी, बहुत वड्डा करके सी लिख लो जी अपने कोले। नाउ लास्ट फोर्थ ब्लॉक, थोड़ा रिजल्ट आने वाला होना सारे यस नो दा, सो यस फोर्थ, एदे च मैं पांच प्रश्न पूछने हैं, फटाफट आंसर करने हैं, बस यस नो। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है मेरे घर दे, और मैं किसे कीमत ते उन्हां रूल्स एंड रेगुलेशंस नू नहीं तोड़ना, और उस चीज दे लई मैं मेरे बच्चियां नू ट्रेन करना है उस लेवल तक आण दे लई, पर मैं घर दे रूल्स नहीं तोड़ने। यस और नो? उस तो बाद कि बहुत बार घर दे विच ये सिचुएशन आउंदी है जो तुसी बच्चे नू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देने हो, बेटा इत्थे नहीं बैठना, उधर चलो, पर बच्चे को रीजन नहीं हुंदा कदे, या तुसी ए रीजन देना बेहतर नहीं समझते भी इत्थे बैठना क्यों नहीं है, यू जस्ट पास द ऑर्डर, बेटा गो एंड सिट देयर, गो एंड डू दैट, राइट, और ये हुंदा है ऑफन घर च। यस और नो? लिखिए जरा प्लीज। अगर तो तुसी सर ऑलवेज रीजन दे रहे हो then it is yes, but अगर तुसी एक बार भी बिना रीजन तो बच्चे नू उठा के इत्थों ते उधर भेजे या कोई भी काम किया है, डू दैट, देन इट इज, उस डू दिस, वही आ गया ना, बच्चे नू रीजन तो नहीं ना मिलिया, बच्चा कर रहा है, करेगा क्योंकि मम्मी पापा ने किया, बच्चे का वेल विशर है। मेरा हुण हाथ दुखदा बहुत बुरे तरीके नाल, एंड यू नो ये मेरी मम्मी है और ये कहती है पांच पेज काखा गा लिख, बताओ अब, मेरे को तो बहुत डर लगता है मेरी मम्मी से, मैं लिखूंगी ना काखा गा बैठ के, वेल विशर है, मम्मी को काखा गा सिखाना है मुझे, राइट, सो नाउ लेट अस सी, आई विल रिपीट। अक्सर सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर रही हैं कि अक्सर तुसी बच्चे नू बिना रीजन दे एक ऑर्डर पास कर दे और थोड़ा बच्चा ऑर्डर फॉलो करता है, राइट, उस तो बाद तुसी अपने बच्चे नू बहुत फ्यू चॉइसेस देंदे हो कि तू ये अपना काम आप कर, फॉर एग्जाम्पल शू लेन गए हैं, मम्मी नू ब्लू पसंद है, बच्चे दे पैर च ब्लू फलानी ड्रेस नाल भी चल जाना उहदे नाल भी, बट बच्चा कहिंदा कि मैं रेड वाला लेना है, मम्मी नहीं नहीं ब्लू अच्छा है, टेक ब्लू, राइट, देन दे गो टू सम मीटिंग पॉइंट, बच्चा कह रहा है कि बर्गर खाना, मम्मी का मूड नहीं है, पापा का भी मूड नहीं है बर्गर, छोड़ बेटा आज पिज्जा खा लेते हैं, मतलब उसकी चॉइसेस के साथ वी आर प्लेइंग। यस और नो? क्या ऐसी सिचुएशन आती है? ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ऐसा करते हो कि नहीं, कि बच्चे को चॉइसेस बहुत थोड़ी छोड़ देते हो, बेटा कहता है मुझे मुझे फाइन आर्ट्स करना है, मम्मी कहती नहीं नहीं नॉन मेडिकल ले पहले, फाइन आर्ट्स बाद में देखेंगे, क्या आप बच्चे के लिए चॉइसेस थोड़ी छोड़ते हो? मतलब चॉइसेस देयर, वो ईटिंग का हो गया चाहे, राइट,
राजमा के तक सर फोकस मत रहिए प्लीज, आप बिहेवियर की तरफ भी आइए। आई नो 2 बजने वाले हैं, यू आर हंग्री बट ईटिंग का तो बहुत अच्छा फंडा है, बच्चे का हर 6 महीने बाद डीवॉर्मिंग करवाइए आप। एक फिक्स्ड मैं गौरव को अपडेट कर दूंगी, गौरव एक वो रहता मंथली बेसिस पे बच्चों का एक साइकिल रहता मेडिकल का, तो आप प्लीज उसको फॉलो करते रहेंगे, बच्चे कभी मांग के खाना खाएंगे आप थक जाएंगे बनाते बनाते। नाउ मैं फाइनली रिपीट करूंगी सर, अभी मैं 4th क्वेश्चन पे राइट। सो क्या 4th, सो नाउ क्या कभी आपको लगता है कि पनिशमेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन? बच्चे ने कुछ भी किया तड़ाक, कभी कभी लगता है, लगता है, कोई नो मत बोल देना कि नहीं लगता है, मुझे पता सबने छुप छुप के पीटा एक बार तो अपना अपना बच्चा, अब यहां पे जो मर्जी बोलते रहिए आप, पनिशमेंट ही सॉल्यूशन है। कई बार लगता है पेरेंट्स को, इन ये वाले कैटेगरी के पेरेंट्स को, कि पनिशमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप अपने मन की बात अपने बच्चे से करवा सकते हो। बेटा मैं नहीं तेरी मम्मी बनना, कितनी मम्मी ने बोला ये, मैं नहीं तेरी मम्मी बनना अगर तूने ये नहीं किया, पनिशमेंट। बच्चे से मां छीन लोगे सर, फील फ्रॉम द साइड ऑफ द चाइल्ड। दिस इज पनिशमेंट सर, ये मीठी गोली वाली पनिशमेंट है सर, पर है पनिशमेंट है ये है पनिशमेंट है सर, बस ये मीठी गोली वाली है। नाउ नेक्स्ट, क्या आप प्रिजर्व्ड हो? होता ना एक पेरेंट्स, आपने देखो का कहीं पे मॉल पे या पब्लिक प्लेस पे जाते हो या शादी पे, बहुत सारी मम्मी या पापा होते हैं, मेरा बेटा करते ही रहते हैं ऐसे ऐसे राइट, मतलब वो अपना अफेक्शन शो करते रहते हैं। कुछ पेरेंट्स मम्मियां ऐसी भी होती है, चिंता पूरी होती है, कहाँ है बेटा, अच्छा खेल रहा है, ठीक है, खाना खाया, वरी तो है पर वो दिखा कुछ रिजर्व फॉर्म में रहे हैं उस चीज को राइट। तो क्या आप अपनी जो वॉर्मथ है अंदर से, जो एक मोहब्बत है बच्चे के लिए, क्या उसको ऑफन शो करते हो या मैक्सिमम समय आप रिजर्व रह जाते हो? यस या नो? अगर आप रिजर्व्ड हो अपनी वॉर्म्थ शो करने के लिए, ठीक है, तो यस, अगर नहीं हो शो करते रहते हो तो इट्स ओके, तो नो। हाँ जी, तो शुड आई रिपीट द क्वेश्चंस? सो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी फास्ट, क्या आपके घर में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और जिसको जो मर्जी हो जाए, आंधी तूफान जो मर्जी हो जाए, मुझे तो ये रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, बच्चे को करने ही करने हैं ये फॉलो राइट? उसके बाद जो ये रूल्स आपने बनाए हैं, ये रूल्स आर रूल्स, क्यों बनाया मेरे से कोई नहीं पूछेगा, बच्चा तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। सो ये मेरे रूल्स हैं और कोई भी एक्सप्लेनेशन आप इन रूल्स के लिए नहीं देते हो बच्चों को, सिर्फ बताते हो कि यहीं पे बैठना है, यहीं पे प्लेट रखनी है, क्यों रखनी है, टेक्निकली कोई रीजन नहीं समझा रहे हो बच्चे को आप, सिर्फ एक रूल दे दिया, प्रोटोकॉल दे दिया कि ये करना है राइट। तो ऐसा कुछ है आपके घर में? तो यस और नो। उसके बाद क्या आप बच्चे को बहुत ज्यादा कम चॉइस दे रहे हो अपने आप से डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो शू है, चाहे वो उसने कुछ खाना है, चाहे वो उसने कुछ पहनना है, तो क्या वेरी फ्यू चॉइसेस है या आपके बच्चे को आजादी है कि करे? मैं दे रही हूं उसको, वो कहता है मैंने रेड शर्ट के साथ गंदे से ग्रीन कलर की निकर ही पहननी है, आप अलाउ कर रहे हो और बहुत अच्छे फंक्शन पे जा रहे हो आप, तो क्या आप अलाउ कर रहे हो या कह रहे हो कि नहीं ये पहन जो मैं पहना रही हूं राइट। सो देन 4th क्वेश्चन, आपको लगता है कि जो पनिशमेंट ही है एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि जो मैं चाहती हूं वो मेरा बच्चा करे, और सिर्फ पनिशमेंट ही एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा मैं ये चीज करवा सकती हूं या करवा सकता हूं? उसके बाद क्या आप अपना अफेक्शन बच्चे को दिखाने में रिजर्व्ड हैं या आप रेडीली बड़े आराम से वो अफेक्शन हर वक्त दिखाते रहते हो? यस और नो? यस मैम,
क्या आप अपने बच्चे को बहुत कम डिसीजन लेने की चॉइसेस देते हो या बच्चा बहुत आजाद है? कम डिसीजन दे रहे हो तो यस, कंट्रोल आ गया यहां पे, पेरेंटल कंट्रोल का कंसेप्ट है ये। डन। सो फाइनली नाउ लेट अस सी डी सेक्शन में, फोर्थ ब्लॉक में कितने पेरेंट्स के चार यस हैं। फोर्थ ब्लॉक में कितने पेरेंट्स के फोर यस हैं? राइट डाउन डी। तो अब आई एम स्टार्टिंग द वेरी लास्ट फेज ऑफ दिस वर्कशॉप एंड दिस इज द टाइप ऑफ पेरेंट्स। मैंने आपसे सर और मैम डिस्क्लोजर नहीं लेना है कि आपको ए आया है, बी आया है, सी आया है, डी आया है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि आपको क्या आया है इन क्वेश्चन आंसर राउंड में। बस सिर्फ आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूर कर लेंगे जो मैं बोल रही हूं उसके अकॉर्डिंगली, और आपको देखना है कि आपको कहां से कहां पर शिफ्ट होना है एज अ पेरेंट, मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं। क्योंकि ये मत भूलिएगा कि नो वन इज परफेक्ट, और पेरेंटिंग तो हम वैसे ही तुक्का मेथड से कर रहे हैं, राइट? गलतियां सबसे होती हैं, तो प्लीज नो वन इज परफेक्ट एज अ पेरेंट। हर पेरेंट के अंदर एक ईगो रहता है, जैसे एक टीचर के अंदर ईगो रहता है ना कि मेरे से अच्छा नहीं कोई पढ़ाता, तो हर पेरेंट के अंदर भी एक ईगो है, ले मेरे से अच्छा मम्मी पापा कोई नहीं है दुनिया में। तो उस ईगो को एक साइड पे रख के देन इवैल्यूएट योरसेल्फ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि किसको ए आया है, किसको बी आया है, किसको डी आया है, राइट? बिकॉज ये आपका अपना पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन है। आपको देखना है कि आप कहां पर एज अ पेरेंट स्टैंड कर रहे हैं और आपको कहां से कहां तक मूव करना है अपनी पेरेंटिंग टाइप को, राइट? सबसे पहले जिन लोगों को डी आया है, जो अभी ये जो ब्लॉक वाले क्वेश्चन आंसर राउंड में जिनको डी आया है, तो आमतौर पर ऐसे पेरेंट्स की बच्चों से जो अपेक्षा रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। ये भी करेगा, डांस भी करेगा, स्विमिंग भी करेगा, एथलीट भी बनेगा, पढ़ेगा भी 10/10 भी लाएगा, ए ग्रेड, पता नहीं क्या क्या, राइट? उसके बाद ये वाले जो पेरेंट्स हैं ये हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी ही डायरेक्शंस फॉलो करें, बिकॉज हम वेलविशर हैं जी। ये एक इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली स्टेटमेंट है कि हम वेलविशर हैं जी। आपके एक्सपीरियंस से यू आर थिंकिंग द बेस्ट, पर बच्चे के एक्सपीरियंस से भी कुछ चीजें अच्छी और सही हो सकती हैं। फोर में अगर आपके पास सर, फोर्थ में अगर चार यस हैं तो डी है। हाँ हाँ हाँ, अब मैं रिवर्स जाना शुरू हो गई। हाउ मेनी नोस? तो फिर आप इस कैटेगरी में हो ही नहीं मैम, डी कैटेगरी है नहीं आपका, छोड़ दो फिर, आप कुछ भी नहीं लिखोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ ए बी सी डी में से सिर्फ एक अल्फाबेट आया होगा, कईयों के पास तीन अल्फाबेट्स भी आ गए होंगे, कईयों के पास दो अल्फाबेट भी आ गए होंगे, राइट? कुछ नहीं आया तो इट मींस दे नीड अ वेरी सीरियस काउंसलिंग, दे नीड काउंसलिंग, नॉट मी, काउंसलिंग विद द मोर एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स, काउंसलिंग विद द टीचर्स। आई एम अवेलेबल टेलीफोनिकली, आई एम अवेलेबल, राइट? यस, देखिए सर, मम्मी और पापा दो इंडिविजुअल्स, हाँ हाँ, उसे पढ़ाने बैठता हूं तो उसके अंदर सारे के सारे कूद जाते हैं, ठीक है? अब तू इसको क्यों डांट रहा है? अरे डांट नहीं रहा, मैं उसे समझा रहा हूं, चार बार मैंने समझा दिया, पांचवी बार मैं इरिटेट हो जाता हूं।
सिंपल, क्योंकि बिहेवियर है। आप सर मिक्स्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग से पीड़ित हैं। हाँ, वो तो खैर ये जेन्युइन बात है, इस चीज का सोल्यूशन लेने तो आया हूँ यहाँ पर। यस बिल्कुल, ठीक है जी। मिक्स्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग में उसके अंदर क्या होता है कि माँ उसको लेकर के ना ऐसे कुछड़ में पालेगी, नहीं नहीं इसको कुछ नहीं कहना। अरे क्यों नहीं कहना भाई, कैसे चलेगी स्कीम ये तो समझाओ उसको, प्यार से बड़े प्यार से टैकल करते हैं। उसके बाद भी वो समझाने की बात नहीं है ये, उसके बाद तो ऐसा हो जाता है सारे कूद जाते हैं, उधर से दादी भी आ जाएगी, उधर से दादा भी आ जाएगा, कैसे पकड़ लिया तुमने इसको। मैं मतलब ये एक ना बड़ा सीरियस मैटर है कि अब बच्चे उसमें क्या होता है, बच्चा लिबरेट हो जाता है, वाह भाई वाह सारे आ गए अब तो फैल जाओ। बिल्कुल ठीक है जी, अब तो मजा आ गया, अब तो होगी पापा की क्लास चालू। सर आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये एक इतना सीरियस मैटर है कि इसके अंदर सबको समझना चाहिए। इसमें मैं बताती हूँ, सबको नहीं समझना पड़ेगा इंक्लूडिंग आप, सबको थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ, बस ये एक मैटर है। मैं उनको लेकर आना चाहता था और जान मुझके आए नहीं दोनों के दोनों। बिल्कुल, दुबक गए सुबह रात को, पता है 2 बजे आए हैं वहां से। मैं कह रहा हूँ चलो, नहीं नहीं बहुत थके हुए हम तो, बस बस पता था यहाँ आकर के यही सब होना है। एक्चुअली क्या है कि मेरा काम ऐसा है कि मैं रात को 1:30 बजे आता हूँ घर पे। नहीं कभी कभी नहीं, मैं पढ़ाने की जितनी मेरी एफर्ट हो सकती, क्योंकि मैं दोपहर को भी घर पे होता हूँ, तो मैं उसे कोशिश करता हूँ कि उसका एक बार रेगुलर स्कूल का पूछा जाए उसे, और मैं नहीं होता घर पे तो मैं कोशिश करता हूँ वाइफ को पूछने की कि इसने जा करके क्या किया। लेट हिम आस्क कि उसने सारा दिन उसका शेड्यूल क्या था, उसका एक टाइम टेबल क्या था। सर मैं बताती हूँ, एक तो नंबर वन एज अ हस्बैंड, अभी इन सारे क्वेश्चंस में ना मेरी वाइफ और मैं कंसीडर ही नहीं करते, कहीं खड़े नहीं होते, दोनों का क्वेश्चन आंसर ही है। आई हैव गॉट योर प्रॉब्लम सर। और ये कम से कम 30% पेरेंट्स में ये दिक्कत रहता है, जहाँ पे फादर के वर्किंग आवर्स लॉन्गर हैं, और उसको लगता है कि एंड ऑफ द डे वो फ्रूट देखता है कि मेरे बच्चे को कितना आ गया, क्योंकि मैं सारा दिन खप के आया हूँ, राइट। तो इस केस में यू नीड टू सेट सेपरेटली फॉर द फेस टू फेस काउंसलिंग, नॉट इन अ पब्लिक, नंबर वन, राइट। नंबर टू, जब आप इस काउंसलिंग के लिए बैठेंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट योर व्यू पॉइंट, बट यू हैव टू कंसिडर योर वाइफ इज 100% राइट। एट द सेम टाइम योर वाइफ हैज टू सिट विद द एटीट्यूड, माई हस्बैंड इज 100% राइट, मैं सीखने आई हूं, देन ओनली यू विल गेट द सोल्यूशन। अदरवाइज बहुत ज्यादा केयर जो आप दे रहे हो बच्चे को, बहुत ज्यादा प्यार जो आप बच्चे को दे रहे हो उसके दादा दादी या मम्मी के द्वारा, ये सारी चीजें बाय द एंड ऑफ द डे आपके बच्चे को स्पॉइल कर देगा, राइट। सो यू नीड टू सिट विद फॉर द फेस टू फेस काउंसलिंग सर, राइट। सो नाउ टू कंक्लूड, ये आमतौर पर जो डी कैटेगरी के पेरेंट्स हैं, इनको रिसर्चर्स ने नाम दिया है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, लेस वार्म। डी टाइप ऑफ पेरेंटिंग को मैं डिस्कस कर रही हूं, लेस वार्म्थ रहती है, मां बाप को बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है बच्चे से, तूने सानिया मिर्जा भी बनना है, तूने मिस वर्ल्ड भी बनना है, तूने आइंस्टाइन भी बन जाना है, राइट, तुझे अब्दुल कलाम भी बनना है, राइट। और आमतौर पर ऐसे पेरेंट्स का बच्चे पे कंट्रोल बड़ा रहता है, ये खाना है, ये पीना है, यहां बैठना है, यहां सोना है। अब इस पेरेंटिंग का बच्चों पे प्रॉब्लम क्या आता है वो सुन लीजिए, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले, जो माँ बाप डी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके बच्चे अक्सर माँ बाप को ओबे तो करते हैं, बट नॉट विद रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फियर दे ओबे देयर पेरेंट्स, सबसे बड़ा गैप और ब्लंडर। उसके बाद ये बच्चे अक्सर फिजिकली बहुत अग्रेसिव होते हैं। स्कूल में जितने बच्चों की ये कंप्लेंट आती है कि इसने उसको मुक्का मारा, इसकी आंख में लगा दिया, स्कूल में बेंच तोड़ दिया, वैन में सीट फाड़ दी, ये सारे बच्चे हमें इमीडिएटली पता लग जाता है कि ये बच्चे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से आ रहे हैं, राइट। उसके बाद ये बच्चे दूसरों बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते, फ्रेंडली नहीं होते, ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनाते, अंदर एक डर बैठा हुआ है, और अक्सर ये बच्चे माँ बाप से बहुत झूठ बोलते हैं।
और उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये वाले बच्चों में कभी कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाता और ये बच्चे हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत दूर रहता है इनसे। तो प्लीज ये जो मैं कॉजेज, ये इम्पैक्ट जो पेरेंटिंग के बता रही हूँ, नोट डाउन, बहुत सीरियस पॉइंट्स हैं एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स, राइट। उसके बाद ये बच्चों के अंदर बदला लेने की भावना बहुत रहती है। एक बच्चा जो बचपन में अब्यूज हुआ है जिसके साथ, कोई भी, चाहे माँ बाप ने गाली गलौज किया है या झगड़ा करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है, या सेक्सुअल अब्यूज भी बच्चे के साथ हुआ है, और माँ बाप का कैटेगरी है अथॉरिटेरियन, ये बच्चा अक्सर बड़ा होकर बदला लेता है, या खुद से या सोसाइटी से, या लादेन बनेगा या खुद को ड्रग्स दे दे के मार देगा, गंदी आदतें डाल डाल के मार देगा, राइट। सो अथॉरिटेरियन, हर वक्त गुस्से में, हर वक्त तलवार की धार पे बच्चे को मत चलाइए, बहुत नुकसान होता है। तो डी कैटेगरी अक्सर क्या होता है कि मैंने मिक्स पेरेंटिंग भी देखा है, जहां पर डैडी बड़ा स्ट्रिक्ट है, मम्मी एट द सेम टाइम पूरी बबली, राइट। उससे क्या होता है कि बच्चे को ये भी लॉस है, नुकसान है, बच्चा माँ बाप में ही झगड़ा करवा देता है, और अक्सर ये वाले कपल्स 45 साल के बाद डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। नहीं तो डाइवोर्स नहीं फाइल करेंगे सोसाइटी से डर से, पर सेपरेशन हो जाता है इन लोगों का। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। टाइपिंग ऑफ पेरेंटिंग, नर्चरिंग अ चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद जिन लोगों के पास सी आया है, अक्सर इन घरों का कंट्रोल बड़ों के हाथ में नहीं, बच्चों के हाथ में होता है। 4 years, अक्सर इन घरों का जो कंट्रोल है वो बच्चों के हाथ में रहता है। नुकसान है ये, बिकॉज बच्चों के पास एनर्जी तो है, एक्सपीरियंस नहीं है, दे कैन बी रॉन्ग। उसके बाद बच्चों के पास बहुत कम रूल्स रहते हैं फॉलो करने के लिए, और बच्चों के अंदर एक फीलिंग रहता है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मेहमान आया, प्लेट में बिस्किट रखे, मेहमान ने खाया नहीं खाया, बच्चे ने सारे उठा लिए। किसी के घर गए, बहुत कॉस्टली शोकेस उठाया, शोपीस उठाया, उसको तोड़ दिया। उनके अंदर एक भावना नहीं रहती है कि मुझे अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखना है, राइट। और ऐसे बच्चों को हम कैसे पहचान लेते हैं? इन बच्चों को अगर स्कूल में कोई एक्टिविटी दी जाती है तो इनको समझ में ही नहीं आता कि करना कैसे है। मैडम ने बताया ही नहीं, मम्मी कैसे करना था, मुझे तो आया नहीं करना। और ये स्टेटमेंट सुन के मदर ये नहीं देखती कि मेरी पेरेंटिंग में, या फादर कहता है कि मेरी पेरेंटिंग में फॉल्ट है, दे स्टार्ट लुकिंग फॉल्ट फॉर द टीचर। अच्छा, हमने फीस क्यों दी है टीचर ने, तो देखो जी पूछा ही नहीं मेरे बच्चे को, समझ नहीं आया कैसे करना है, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम, बच्चा को खुद से क्या करना है वो उसको समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद ये बच्चों में ईगो बड़ा रहता है, मैं क्यों पूछूं, मुझे कोई बताएगा तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, नहीं तो मैं क्यों पूछूं, व्हाई शुड आई आस्क। वो वॉलंटियर नहीं करेंगे खुद से पूछने के लिए। उसके बाद ये बच्चे बहुत सेल्फिश रहते हैं, कुछ खाने को दे दिया मैंने ही खाना है, शेयरिंग नहीं आता इन बच्चों को। आपका बच्चा शेयरिंग नहीं कर रहा है तो वो बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पेरेंटिंग टाइप में फॉल्ट है, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। सी परमिसिव पेरेंट, परमिसिव पेरेंटिंग है इसको बोलते हैं। उसके बाद ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ना कभी स्कूल में मॉनिटर बनते हैं, ना कभी हाउस परफेक्ट बनते हैं, ना किसी इवेंट का इंचार्ज बनते हैं, और घर में भी अपनी सॉक्स ड्राइंग रूम में फेंकेंगे, कपड़े अपने बाथरूम में फेंकेंगे, किताबें अपनी किचन में फेंक देंगे। सो दे डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन डीड्स। उसके बाद एकेडमिक स्कोर्स भी इन बच्चों के एवरेज ही रहते हैं, पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं ये बच्चे, राइट। और जिन पेरेंट्स को बी आया है, दे आर द हैंड्स ऑफ पेरेंटिंग कैटेगरी, और ये पेरेंटिंग प्लीज बहुत डेंजरस और हार्मफुल है बच्चे के लिए, बच्चे के लिए स्लो पॉइजन है ये। बी को डिफाइन किया है मैम मैंने 1, 2, 3, 4, 5 नोज। अगर किसी को 5 नोज आए हैं तो वो बी पेरेंटिंग है। इट इज कॉल्ड हैंड्स ऑफ पेरेंटिंग, हैंड्स ऑफ OFF।
जिसको ए आया है बी आया, कॉलम के रिजल्ट्स जो आए थे ना ए बी सी डी उसके अकॉर्डिंगली. सो नाउ आई एम विद बी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डी एंड सी, राइट. आमतौर पर जो ये वाले बच्चे हैं ये इम्पल्सिव रहते हैं, जल्दबाजी. अक्सर अगर आपको ये बच्चे ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये बच्चा पेरेंटिंग के टाइप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. इसको नहीं ट्रेन किया गया कि जब कोई बात कर रहा है तो उसको रुकना है, राइट. जब खाना है तो कैसे खाना है, जंप कर जाते हैं टेबल पे, राइट. तो ये सारी चीजें इंपल्शन रहता है. और उसके बाद ये बच्चे जब अडल्टहुड में जाते हैं या एडोलेसेंट एज में भी जाते हैं तो हर वक्त अपने ही प्रॉब्लम से उलझे रहते हैं. मम्मी मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं बनता, मम्मी मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, मम्मा मेरे को कोई टीचर भी नहीं प्यार करती. मतलब अपने ही चीजों के साथ, अपने ही बिहेवियर के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं ये बच्चे हमेशा. और अक्सर ये बच्चे जब एडल्टहुड में जाते हैं दे फॉल प्रे ऑफ, चुप कर जाते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं करते. अनदर स्टोरी अराइजेस, फेक आईडीज बन जाती हैं फेसबुक पे, बंदा रियल लाइफ में थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकाल सकता. फेसबुक में ऐसे बड़ी बड़ी दहाड़े मारा रहेंगे ना फेक आईडी बना के. इट्स अ डिसऑर्डर. शुरुआत कहां से हुई है इसकी, टाइप ऑफ पेरेंटिंग से. वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. उसके बाद एंटी सोशल बिहेवियर, क्रिमिनल्स इसी टाइप ऑफ पेरेंटिंग से पैदा होता है. उसके बाद एकेडमिक्स में आमतौर पर जो क्लास में रट्टू तोता रहता है ना, 10/10 वाला रट्टू तोता, ये रट्टू तोते रहते हैं. आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लिया 5+5=10, 5 5 दो अलग तरह की चीजें रख के उसको बोलो कि इसको प्लस करके बता क्या है, तो उसको नहीं आएगा कभी भी. कॉपी में 5+5 लिखा है तो 10 बड़े आराम से भाग के लिखेगा. क्रैमर्स रहते हैं ये बच्चे. उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है इनका. और ये ड्यूअल पर्सनैलिटी जीते हैं ये बच्चे, डबल पर्सनैलिटी. स्कूल का पर्सनैलिटी डिफरेंट, घर का पर्सनैलिटी डिफरेंट. डेंजरस है, बहुत डेंजरस है. देन नेक्स्ट इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, दैट इज द ए टाइप ऑफ पेरेंटिंग. जिन पेरेंट्स को ये ए आया है तो उनके बच्चे लकी हैं कि वो एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग में हैं काफी हद तक. पर परफेक्ट पेरेंटिंग ये भी नहीं है, यू हैव टू गिव अ मिक्स ऑफ टू पेरेंटिंग. इसमें थे 4 yes. यहां पर मां बाप बच्चे को इंडिपेंडेंट भी छोड़ते हैं पर बच्चे के लिए कुछ प्लान्स भी रखते हैं. यहां पर मां बाप को बच्चे की नीड्स भी पता है पर यह भी पता है कि सारी नीड्स हर वक्त पूरी नहीं की जाती और कैसे उनको टैकल करना है वो भी पता है. उसके बाद ये बच्चे अक्सर, इनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है. डिबेट, क्योंकि ये पेरेंट्स अक्सर बच्चे से बात करते रहते हैं, कम्युनिकेशन काफी ओपन रहता है आपस में, तो अक्सर अच्छे डिबेटर्स इसी पेरेंटिंग का टाइप होता है. जब स्कूल में सिलेक्शन करना होता है ना, मम्मी पापा कहते हैं कि लो जी आपने हमारा बच्चा लिया ही नहीं किसी भाषण प्रतियोगिता के लिए, राइट. जबकि स्कूल्स में बहुत बार तो पार्शियलिटी होता है या कुछ भी होता है, बट टेक्निकली जब इस चीज को एक्चुअल डिबेटर ढूंढना होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पीटीएम रिकॉर्ड से ये देखते हैं कि कौन से पेरेंट्स अथॉरिटेटिव हैं, उनका बच्चा निकाल के लाओ, उसको ट्रेन करो डिबेट के लिए, एंड दे गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स, राइट. उसके बाद ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, क्लास में मॉनिटर्स भी होते हैं और घर में भी अपना सामान हर चीज बहुत इंटैक्ट रखते हैं, राइट. उसके बाद ये जो बच्चे हैं इनको डायरेक्शंस देनी नहीं पड़ती, इनको पता है क्या करना है. दे जस्ट सीक परमिशन, कर ले मम्मा मैं बिस्किट खाना खा लूं, राइट. सो दैट इज हाउ. और ये जो बच्चे हैं ये अच्छे स्कोर्स भी लाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, सेल्फ एस्टीम भी हाई रहता है. प्लस ये बच्चे क्रैमर नहीं होते, ये बच्चे अंडरस्टैंडिंग के साथ मूव ऑन होते हैं. अगर फादर स्ट्रिक्ट है, आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड का काम हाई टेंशन वाला है, उसको बीपी देने वाला काम है, बिकॉज हस्बैंड पे आज की डेट में अभी भी जो फाइनेंसिस है वो हस्बैंड ने ही अरेंज करने हैं, सो ऑब्वियसली देयर अंडर हाई प्रेशर. तो वाइफ को एटवंस
अपना टाइप ऑफ पेरेंटिंग मॉडिफाई कर देना चाहिए सो दैट द चाइल्ड इज गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ द टू, राइट? बिकॉज अगर वो चेंज हम नहीं करते हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, राइट? सो थैंक्स फॉर टॉलरेटिंग मी एंड होप एज अ पेरेंट्स यू पी ऑल आर मच अवेयर एंड एनलाइटन्ड. मैंने कहा था कि जब ये वर्कशॉप फिनिश होगा तो आप एक एज अ एनलाइटन्ड पेरेंट्स बाहर जाओगे एंड होप आई डिड माई जॉब क्वाइट ओके, राइट? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी विद एनी सारी पेशेंस. सो थैंक्स. वाहिगुरु जी का खालसा. वाहिगुरु जी का बोले सो निहाल. कैन आई रिक्वेस्ट पैंजी की अगर असी या पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करा 5-10 मिनट सेशन असी एक्सटेंड कर सकते हैं? Can we? And in this session, we can take at least 5 questions. Parents will know, jede parents, aise koi valvala question da hoye. Kuch parents ne bade actively participate kita, thank you anada, khaskar uncle ji da. But, kuch parents da usada question hoye, manich. Te, asi hai last jede 5 to 10 minutes again aise devote kar dene. Feedback form mein le lijiye questions. Okay, again, feedback form asi tanu dene ja rahe hain, please. फीडबैक फॉर्म में तुम अपने क्वेश्चन भी दे दोगे, इट विल गो टू पैंजी एंड शी विल एप्रोप्रिएटली रिप्लाई इट. बट फीडबैक फॉर्म तो सब ने भरना है, असं डिस्ट्रीब्यूट कर जा रहे हैं. उसके उपर जो बच्चे बैठे ने वो भी अपनी एक्टिविटी पूरी कर चुके हैं एंड दे आर अबाउट टू कम डाउन स्टेयर नाउ एंड विल हैव नॉट लंगर क्योंकि असी पंगत नहीं कर रहे, विल हैव रिफ्रेशमेंट. ठीक है जी. गौरव जी. वाहेगुरू जी का खालसा. वाहेगुरू जी की फतेह. हाँ जी, मैंने उम्मीद है तुहानू वधिया लग्या होगा पूरा सैमीनार. वैसे तो मैं भी एक बच्चे दौर तो गुजरिया, मेरे ही पेरेंट्स सीगे, तो मैंने भी कितने कितने लग्या कि मतलब हर पेरेंट्स चाहते कि उन्हें बच्चे का भला होए, बट एक जेड़ा बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है उन्हें टैकल किवें किया जाए. कि कई जगह की होंगे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेरेंट्स पजल हो जाते हैं. मैं देखे जे मैं अपनी लाइफ की गल करा, अपने लाइक सिबलिंग्स की गल करा, पेरेंट्स पजल हो जाते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है, फिर जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो बच्चे मारते भी है, वो तो बहुत नैगेटिव इफेक्ट पैंता है. तो मैं लगे कि लाइक सैमीनार होना चाहिए पेरेंटिंग का, कि सानू एक स्किल्स सीखिए, जब आप कोई जॉब करते हैं जॉब की भी स्किल्स होती है, तो पेरेंटिंग की स्किल्स आप सीखिए. तो मैं माता अमृत कौर जी ने बुलाना चाहता कि वह प्रतिंद्र कौर जी सम्मानित कर. माता अमृत कौर जी जेड़ा फीडबैक फॉर्म तुहानू मिल रहा है, तुसी किसी भी लैंग्वेज भर सकते हो, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, कोई कंपल्शन नहीं तुहानू इंग्लिश विच ही भरना. सो निहाल श्री अकाल. सारे फीडबैक फॉर्म जेड़े ने आप सब ने जमा करा के जाने ने, हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज विच आप सारा लिख सकते हैं. क्यों मैं एक बार होर धन्यवाद करता हाँ डॉक्टर प्रतिंदर कौर जी ते ज्ञान निधि वीरां दा, जिन्होंने बड़ा अच्छा उपराला किया है. आप सब नूं बेनती है कि ज्ञान निधि दा भी फेसबुक ते पेज है जिंदे ते वो इवेंट्स अपडेट करते रहते हैं. आप जी ज्ञान निधि दे भी पेज नूं लाइक क्लिक कर सकते हो. साडे मेन जिहड़े मोटिव है ना वो सी जिहड़े एजुकेशन सिस्टम विच गैप्स हैगे, जिहड़े चैलेंजेस हैगे, लाइक तुहानूं पहले अनाउंसमेंट होई सी बुक बैंक आपां बनाया है, उहदा मेन मोटिव है लाइक बच्चे बुक्स पढ़ते हैं. कई बार की होंदा बच्चे नूं थोड़ा रिसर्च करना होंदा है कि यार मैं तो चलो इस टॉपिक नूं पढ़ना सीगा, हुण उह इस एक टॉपिक वास्ते भी ना उहनूं 200 रुपए दी या 300 रुपए दी बुक लैनी पैंदी है. तो असीं कोशिश करिया बुक बैंक बनाईए, बच्चे नूं जिहड़ी बुक चाहीदी उह उत्थों मिल जाए. एक कल्चर भी आ जाएगा जिहड़ा आपां गुरु नानक साहब ने सिखाया सी वंड छकना, असीं शेयर करना सीखिए. जे 9th क्लास का बच्चा अपनी बुक्स किसी होर नूं दे सकदा है, तुसीं अपनी बुक सानूं दे सकते हो, तो असीं जिहड़ा भी नीडी बच्चा है तो उहनूं आपां प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये अलावा लाइक जो सैमीनार्स है आप कोशिश करेंगे बच्चों का भी लाइक वर्कशॉप होए, क्योंकि पेरेंट्स का तो वर्कशॉप हो गया तो बच्चों की वर्कशॉप होए कि बच्चे भी कुछ सीखन. तो जे तुसी साडे वॉलंटियर बनना चाहते हो तो जो नंबर तुहाडे मैसेज आया सी पोस्टर आया सीगा तुसी सानू रिप्लाई कर सकते हो. उधर ये नहीं कि तुहानू लाइक फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा, तुसी अपने घर बैठ के भी कर सकते हो सेवा. लाइक जिदा फीडबैक फॉर्म है इनू टाइप करना सीगा तो ये सेवा भी हैगी, तुसी अपने घर बैठे कर सकते हो.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ gyannidh.org ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕੌਣ ਲਏ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬੈਂਕ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ।